नमस्कार, रांची खबर में आपका स्वागत है। खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां कंडोम वितरण जागरूकता अभियान चलाया गया। एड्स जागरूकता के एक नए तरीके में आनंद संगठन ने राजधानी में कंडोम प्रमोशन मंथ आयोजित किया। एनजीओ अध्यक्ष ने बताया कि अभियान दिल्ली के विभिन्न स्लम क्षेत्रों को कवर करेगा। आनंद संगठन का मानना है कि एचआईवी एड्स का कोई इलाज नहीं, केवल रोकथाम ही इलाज है। इस प्रकार कंडोम से अच्छा तरीका है, जिसका उपयोग हर कोई कर सकता है। इसके अलावा लोगों को हजारों कंडोम के पैकेट वितरित किए। डॉक्टर ज्योति आनंद ने कहा कि जागरूकता अभियान का उद्देश्य लोगों, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को शिक्षित करना और उन्हें कंडोम का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना था। आनंद संगठन का लक्ष्य ट्रक ड्राइवरों को शिक्षित करना, क्योंकि उन्हें एचआईवी संक्रमण फैलाने के लिए जिम्मेदार मुख्य समूह में से एक माना जाता है। जिसने नहीं इस्तेमाल किया, इसमें गीलापन होता है, एक तेल टाइप कुछ होता है, जिससे उनके पार्ट पे चढ़ता है। कैसे चढ़ता है वो भी बताओ। क्या हुआ? मान लीजिए ये बॉडी का पार्ट है उनका, ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी तेल लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कुछ भी करना है, ये लगाना है, ये आराम से चढ़ जाएगा पार्ट से। चढ़ गया, शर्म आ रही है, हंसी आ रही है। इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप इसको इस्तेमाल किए, थोड़ा तो मोटा ही नहीं हो गया। बहुत लोगों को लगता है कि इसके इस्तेमाल करने से वो मजे नहीं आते, वो फीलिंग्स नहीं आती है, ऐसा होता है। बहुत से लोग क्या होते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते, उनको लगता है कि वो मजे नहीं आएंगे सेक्स करने में। पर ऐसा नहीं, आपको पता चल रहा है कुछ लगा हुआ है, कुछ भी नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, इसको आराम से रिमूव कर सकते हो। अनचाही जो प्रेगनेंसी होती है ना, अनचाही जो बच्चा ठहर जाता है, तो बोलते ठीक है, ये इसमें लीक नहीं होता है। जो स्पर्म जो होता है, जो सफेद पानी जो होता है, वो इसी के अंदर रह जाएगा, ठीक है। ये बहुत मजबूत होता है, इसके अंदर ये आपको कुछ दिखेगा, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको? चोंच टाइप बनी हुई है, दिख रहा है? ये इसलिए ही है कि जो स्पंज है वो इसमें आके जमा हो, ठीक है, जो कि आपके शरीर के अंदर नहीं जाए। तो चीजें समझ आ रही है कि ये क्यों होता है? स्पंज जमा करने के लिए होता है, ताकि वो आपके शरीर में ना जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि डबल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक को चढ़ा देते कि फटे नहीं। ये फटता नहीं है, ये कब फटेगा? जब भी आप इसको खरीदते हैं। क्या हुआ? समझ आ रहा है आपको? अभी अगर आपकी डेट खत्म हो गई है, इसकी डेट खत्म हो गई है, तो इसको इस्तेमाल मत करना, वरना भी ये फटने के चांस हो जाते हैं। ये फट सकता है, कोई बीमारी हो सकती है या प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। आगे समझ, कुछ पूछना है आपको? बट एक चीज और बोलनी है मैम, कि इन सबका ये मानना होगा अभी दिमाग में सिर्फ, ये बच्चा रोकने के लिए, ये बच्चा रोकने के लिए नहीं है। अगर जो एक आदमी जब आपके साथ सेक्स करता है ना, उसके अंदर हजारों बीमारियां होती हैं, वो सारी बीमारी उसके अंदर आके रुक जाती है। तो सिर्फ ये मत सोचो कि ये सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए। हाँ, हाँ, ये सोच के चलो, बच्चा रोकने के लिए ही होता है, नहीं ये बीमारी रोकने के लिए भी होता है। तो आप इसका इस्तेमाल करो, जब भी शारीरिक संबंध बनाते हैं आप इसका इस्तेमाल करो, केवल इसलिए नहीं कि बच्चा नहीं जानो।
पहुंचानी चाहिए या हमारे बच्चे नहीं होंगे इसलिए भी नहीं, बीमारी से बचने के लिए करना ठीक है। समझ आ गया खुशी भाई। और बहुत से लोग ये सोचते कि बच्चा हो तो भगवान की देन है, भगवान की देन ही आप लोगों की देन है। सेफ सेक्स करो, इसका इस्तेमाल करो हमेशा, फ्री में भी मिलते हैं और पैसों के भी मिलते हैं, इसमें शर्माना नहीं है। कुछ पूछना कोई सवाल है?